तम नागेश्वर पार्श्वनाथ में है, जो भारत के महानतम तीर्थों में से एक है और जिसकी चमत्कार जिसकी लीला अपरंपार है। और आज भगवान पार्श्वनाथ की एक ऐसी कहानी लेके आया हूँ, जब सुनेंगे ना आपको तो आपको मालूम पड़ेगा कि श्रद्धा क्या चीज। अपने बम्बई में कांदीवली इलाका, कांदीवली इलाके में एक बाबला भाई रहते, और बाबला भाई का एक छोटा मोटा कपड़े का दफा दलाली का काम, पर परमात्मा की शंकेश्वर दादा की श्रद्धा कितनी, बीवी पत्नी को पूछ लेते हैं इस महीने का खर्चा कितना, पत्नी बोलती है इस महीने 50,000 चाहिए, 7 दिन 8 दिन में टमा लिया, बाकी 22 दिन शंकेश्वर पास में। खर्चा ज्यादा है तो अगले क्या 18 दिन शंकेश्वर पास। और करते क्या है, जाते हैं शंकेश्वर दादा की मूर्ति के सामने बैठते हैं, उसी के आंसू बहाते रहते हैं और कहते हैं ये कली काल में पंच में आर्य में मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि ये परमात्मा का साक्षात दर्शन हो। उनकी ऐसी पर देखिए साथ में, भगवान भी सबकी परीक्षा लेते हैं और ऐसे भक्तों की तो अवश्य कर परीक्षा। हुआ क्या, उनकी एक ही बेटी 25 साल की जिसकी पूना में शादी हुई, उस बच्ची को 3rd स्टेज का कैंसर। डॉक्टरों ने भी बहुत कोशिश की, फिर डॉक्टरों ने बोला साहब आपको इलाज कराना है तो थोड़े ही कराएंगे, आपको दवाई से ज्ञान हो गई। बेटी को भी मालूम पड़ा, बेटी ने बोला मेरा पीछे का 10-15 दिन बचा है, ये पीछे का 10-15 दिन मैं अपने पिताजी माँ के पास गुजार, वो पूना से आगे गांधी नगर 5 दिन 7 दिन रही। बाबला भाई का तो वही 7-8 दिन हुआ शंकेश्वर बाप साथ। बेटी बोली बाबा मैं भी चलू, बेटा तू भी चल। दोनों पहुंचते हैं शंकेश्वर, शंकेश्वर पूछे अब आप देखिए जिसकी 25 साल की है, जिसकी 3 साल की बेटी है, दादा के सामने बैठी है, से ये फरियाद नहीं कर रही है कि मुझे ऐसा रोग क्यों दिया, या ये फरियाद नहीं कर रही है कि मेरी 3 साल की बच्ची को कौन संभालेगा, या ये नहीं कर रही है कि मेरे साथ क्या तकलीफ हुई, क्या कह रही है तो जब मैं जाऊं तो दादा आपकी छवि मेरे आंखों के साथ, और कुछ नहीं मुझे आपके दर्शन ही नहीं करने मेरे सामने, बाकी तो मेरे जो कर्मों में लिखा है वो। आप सोचिए कितना समता था, समय निकलता है। बाबला भाई के एक मित्र दीपक भाई भाड़ोल वो गए हुए थे US, तो वो एक बहुत बड़े ऑन्कोलॉजिस्ट से कैंसर वालों से मिले, तो उन्होंने वहां से बाबला भाई को बोला कि बाबला भाई आपके पास जो रिपोर्ट्स हैं वो सब ईमेल कीजिए, मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई चांस होगा। तो बाबला भाई ने बोला कि दीपक भाई आप रहने दो आप इंडिया। उन्होंने बोला कि मेरा कहना मानिए आप कैसे भी करके भेजो, तो क्या नहीं दीपक भाई आप गए। दीपक भाई भी चकित रह गए, थोड़े दिनों के बाद जब यूएस से इधर आए और जब मिलने गए तो उन्होंने पूछा कि बाबला भाई क्या बात, मैं आपको क्या बताऊं क्या हुआ, मुझे खुद को मालूम नहीं है। थोड़े दिनों पहले रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर मेहता साहब के पास, तो डॉक्टर मेहता साहब ने कहा पहले तो वो रिपोर्ट देखी, तो सेकंड टाइम वापस रिपोर्ट से सेकेंड टाइम रिपोर्ट निकालने के बाद उनसे कुछ रहा नहीं गया, बोला इस बच्ची को तो कैंसर तो छोड़ो नाखून में भी कोई रोग नहीं। अब आपको तीर्थंकरों का धर्म मिला है, आपको जो 24 कैरेट धर्म मिला है ना सर, आपकी आप अपनी श्रद्धा को दिखाइए मत, ऐसा धर्म आप बहुत ब्लेस्ड है, आप बहुत पुण्यशाली है कि आपको जैन धर्म में आपका जन्म मिला। ऐसे धर्म में पैदा होने के बाद ऐसे तीर्थरूपों का अगर आपका चरण मिला है ना, अपनी श्रद्धा को रखिए। मैं आपको बताता हूँ दुनिया में इनसे बड़ी कोई ताकत नहीं है।